आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी के निर्देश के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा सहित गोरखनाथ मंदिर ने प्रस्तुत किया उदाहरण। जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा परिसर से हटाया गया लाउडस्पीकर, वहीं गोरखनाथ मंदिर में भी भजन का प्रसारण हुआ धीमा। सभी धर्मों के लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश का किया स्वागत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य की सभी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। दो शातिर मोबाइल लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 3 मोबाइल घटना में प्रयुक्त केटीएम बाइक किया बरामद। सीओ कैंट ने किया खुलासा। चौरी चौरा उपद्रव की घटना में शामिल फरार अभियुक्तों का पुलिस ने चौरी चौरा थाने के गेट पर पोस्टर किया चस्पा। एसपी नॉर्थ ने कहा, फरार अभियुक्तों के घरों की जाएगी कुर्की की कार्यवाही। मोबाइल लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। भेजा जेल। साइबर अपराध के रोकथाम पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जिले के सभी थानों पर साइबर सेल का किया गया है गठन। रेंज स्तर पर खोला गया है साइबर थाना। किसी भी तरह की साइबर अपराध से शिकायत होने पर साइबर थाने पर कर सकते हैं संपर्क, समस्या का किया जाएगा समाधान। दिल्ली एनसीआर के सटे जिलों में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में जारी हुआ अलर्ट। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सभी निगरानी समितियों को सतर्क कर क्रियाशील रहने को किया गया है निर्देशित। सभी पुलिस अधिकारियों ने पुलिस ऑफिस में सुना फरियादियों का फरियाद। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, शासन के निर्देश अनुसार सुबह 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में सुन रहे हैं फरियादियों की फरियाद, किया जा रहा है समस्याओं का निस्तारण। और जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी से जिला अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी डॉक्टर डी के सुमन ने कहा, फुल आस्तीन के कॉटन के कपड़े से शरीर को ढककर बहुत जरूरी हो तभी निकले घर से बाहर।